और देखिए अडवाणी ने लिखा है कि मंदिर निर्माण एक दिव्य स्वप्न की पूर्ति है, इस तरह की बात फिलहाल वो लिखते हुए नजर आए। और नियति ने तय किया है मंदिर का निर्माण और इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी को चुना है। अयोध्या कार्यक्रम से पहले अडवाणी ने फिलहाल ये कहा और प्रधानमंत्री मोदी को भगवान का चुना हुआ भक्त बताया है। देखिए इस राम मंदिर निर्माण की अगर बात करें तो कई हजारों लाखों लोगों ने कड़ा प्रदर्शन किया, उन्होंने तप किया और उसके बाद जा करके फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला किया गया था, तब जा करके अब ये राम मंदिर फिलहाल यहाँ पर बना है। और अब भाग्य ने मंदिर निर्माण के लिए प्रधानमंत्री मोदी को चुना, अडवाणी कह रहे जिन्होंने खुद भी यहाँ पर उनका योगदान भी माना जाता है इस राम मंदिर को लेकर के। और भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण अडवाणी ने कहा है कि भाग्य ने तय किया कि अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बनाया जाएगा, उसके लिए प्रधानमंत्री मोदी को फिलहाल चुना गया। अडवाणी ने अगले हफ्ते प्रकाशित होने वाली राष्ट्रधर्म मैगजीन में भी अब राम मंदिर निर्माण पर लेख लिखा है, एक दिव्य स्वप्न की पूर्ति। देखिए इस तरह से प्रिया हम देख पा रहे हैं कि भजन गाए जा रहे हैं, किताबें लिखी जा रही है, तमाम आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं और सब काफी ज्यादा उत्सुक इस वक्त नजर आ रहे हैं। वो है कि जो आंदोलन के दौर में जो लोग चेहरे थे, जो बड़े चेहरे, अब सोचिए भावनात्मक तौर पर उनके मन में इस वक्त क्या चल रहा होगा। लालकृष्ण आडवाणी इस बात का जिक्र करते हैं कि वो वाजपेयी जी को बहुत याद कर रहे हैं और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि नियति ने तय किया और प्रधानमंत्री को भगवान ने तय किया है कि वो इस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में वहाँ पर हिस्सा हो और उसके उनके कर कमलों से तमाम चीज़ें हों, ये लालकृष्ण आडवाणी ने कहा है।